सब आज हम लोगों का नाश्ता, मतलब देखो शाम के सुबह नहीं सॉरी शाम के 3:17 हो रहे। हम लोगों का पूरा दिन पूरा डिलेड है यार। एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत ही ज़्यादा सर दर्द दे रहा था, सो आई थॉट कि थोड़ा आराम लिया जाए एंड उसके बाद कुछ एडिट करते हैं। फिर नाश्ता भी हम लोगों का हो रहा है शाम में, फिर व्लॉग हो रहा है एडिट, उसके बाद जाएगा अपलोड होने, फिर दूसरा पार्ट भी आएगा इसका, वो भी व्लॉग होगा। फिर आज का अलग बहुत ही ज़्यादा मैं चढ़ाना है और हमको तो कर फिर हमसे सुनेगी एक हजार एक बार भी जाएगा ऐसे गुड्डू अपना कपड़ा ऐसे उठाते हुए जाएगा। खानो रात सवेरा और सवेरा को खानो रात में क्या लाइफ है ना, मस्त। तो सब तो ठीक है। अरे यार पता है क्या हुआ एक्चुअली, कि मतलब याद ही नहीं रहा कि कोई मतलब खाना खाना है, भूख ही नहीं लग रहा था। नहीं अपना मूड ही चल रहा था, मटर भर चुका था फुल ऑन अदरक एक ही। थोड़ा सा पुलाव खाना गरम गरम, लाइट का डिफरेंस होता है देखिए। तो सामने तुम खड़ा हो गया पीछे नहीं, क्योंकि ये वाला लाइट है ना एक्चुअली होता है क्या कि ये मतलब उससे नीचे जैसे डब्बा है ना तो वो नहीं आ पाता है। हाँ देखिए होता क्या कि इन डिब्बों के कारण मतलब पूरा लाइट यहाँ पर इस साइड तरफ आ नहीं पाता है, सो फेस का लाइक फेस पे लाइट ठीक नहीं जाता। वी आर रेडी, मतलब हमारा वेट भी मतलब काफ़ी निकल चुका है, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा करते हैं एक्सरसाइज, ये बस इतना ही अपन लोग से और नहीं हुआ, पुश करते लेकिन आज नहीं। ऑलरेडी हम लोगों ने 15 मिनट तक का कर लिया है एंड स्पीड काफ़ी अच्छा था, 13 की स्पीड में हम लोगों ने ट्राई किया 2-3 बार। थोड़ा डोंट माइंड, सो ट्रेडमिल हो चुका है ख़त्म, अब हम लोग करेंगे कुछ थोड़ा वेट्स। सो फॉर टुडे आई एम डन विद प्रीटी गुड एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू अनदर डेज। मतलब काफ़ी दिन मतलब सारा दिन तो हम लोग यार बेड पे पड़े रहते हैं, सो थोड़ा आज अच्छा लगा। लाइक उठे लिसन टू सम म्यूजिक, थोड़ा एक्सरसाइज किया हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों का यार। मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद कोई हम लोग का पसीना सूंघ लेना, मतलब डेफिनेटली वो बंदे ने मर ही जाना है, मतलब जान वाले नहीं था ना, गंदा स्मेल करता है ना पसीना। ऐसा नहीं कि मैं स्मेल कर रहा हूँ ना घुसाकर, बट वो स्मेल तो आता है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही वाहियात स्मेल रहता है, मतलब बंदा मर जाएगा बगल में बैठने वाला। रोटी नहीं मेरे लिए, टू मच फन बेस्ट ऑफ लक, वन लाइक वन शेयर वन प्रेयर। यस हम लोग जाते हैं नहाते यार, मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद है ना मतलब अंदर से बॉडी को आराम मिलता है, मतलब एक सुकून मिलता है, एक मतलब पीस ऑफ माइंड मिलता है, बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है। सब आज घर में ही समोसे बन चुके हैं लेकिन हमें इसका एक बैड फीडबैक मिल चुका है कि इसके मसा इसके क्या होता है आउटर लेयर में नमक ही नहीं है, बट कोई नहीं सह लेंगे।
सो गाइस नहा धो के हो चुका हूँ मैं तैयार, एंड मोस्ट ऑफ यू विल बी थिंकिंग कि मैंने वही सेम जिम वाला क्यों पहन लिया, मतलब आई मीन एक्सरसाइज करने के बाद जो मैंने पहना था वही क्यों मैंने पहन लिया, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है एंड पसीना का स्मेल लाइक वो रहता नहीं, बहुत टाइम तक रहता है। डोंट वॉन्ट कि मतलब जो मैं चेंज करके पहनूँ सो उसमें भी स्वेट आ जाए, सो उसमें सो वी विल चेंज इट आफ्टर वर्ड्स आफ्टर वी हैव आवर, मतलब हम लोग दिन का यह अभी अपन चार अभी कितना बज रहा है लाइक 3 बज रहे, अपने का नाश्ता का रूटीन यार यही है, नाश्ता अभी अपना चलता है अभी इस समय, फिर खाना अपना मतलब अपने दो समय का खाना खाते हैं, एक अपना होगा लाइक इवनिंग में अपना होता है अपना नाश्ता, एंड लाइक मतलब सुबह के अपना 4-5 बजे के आसपास होता है अपना रात का खाना, लाइक 2 टाइम का अपन खाते हैं, बीच में अपन कोई स्नैक्स ले लिए समोसा या लाइक सैलेड कुछ एक ज़रूर होता है। लोगों ने पूछा नहीं फिर भी मैंने बता दिया, तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जाते जाते। उन लोगों का सेकेंड जो ऑर्डर था वो आ चुका है, बट फिलहाल हम लोगों का अभी बहुत सारा काम है, मतलब पहले अपन लोगों को फोटो खिंचवाना है, उसी को फोटो को निकलवाना है, मतलब यार स्कूल का प्रोजेक्ट ना यार मतलब बहुत ही दिमाग खाता है, एंड हम लोगों को एक कुरियर भी पोस्ट करना है कि वो जा सके, लॉट ऑफ वर्क। कॉफ़ी हालांकि ज़्यादा नहीं है, बहुत ठीक है हो जाएगा अपना, लेकिन गैस इतना कम था फिर भी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो एकदम परफेक्ट आया, ग्रेट सक्सेस। भाई क्या बना है, पहला ट्रेंड में स्मेल है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा, ओ बहुत ही बढ़िया भाई दैया। सो बिना किसी देरी के चलते हम लोग फोटो क्लिक करवाने, अदरवाइज हम लोग का ये ठंडा हो जाएगा, तो चलते हैं। बंदर बिहाइंड द सीन्स सब लोग देख लो, एक बार नीचे देखो, हाय गुड्डू हाय कर दो कर लो। हम लोगों का फर्स्ट टाइम ये ब्लैक कॉफी, सो पता नहीं कि कितना हम लोग का जान वान ले ले यार, अगला व्लॉग नहीं आया तो समझ लेना हम लोग नहीं बचे ब्लैक कॉफी पीकर, नहीं तो नहीं। हाय गाइस, तो आप देख ही रहे हैं यार मेरी मेहनत, इनके एक दो फोटोज लेने के लिए मुझे 10 मिनट से कभी कैमरा इधर करो उधर करो ऊपर करो नीचे करो, बाप रे थका दिया इसने मुझे, पर चलो भाई है तो करना बनता है, ऐसे होता है, तो बस चल रहा है कर दे रही हूँ उसके लिए, भाई है आफ्टर ऑल मेरा। अब ये मुझे सिखा रहा है कि अनकॉन्शियस मत हो बताते समय, तो ठीक है फाइन भाई, हम लोगों का जो ब्लैक कॉफी था ना भाई मतलब करते ही जाए, मतलब भाई इतना खा रहा ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनका, हमें तो थका दिया आप खुद कर रहे हैं, सो आप देख ही रहे हैं कि प्रोजेक्ट के साथ मुझे क्लासेस भी दी जा रही है, नहीं करना नहीं भी कर सकते हैं थोड़ा, ये जो पूरी मेहनत है आप सब देख ही रहे हैं इनके एक प्रोजेक्ट के पीछे, ये पूरा सेटअप क्लीनिंग करना सारा वीडियोस बनाना, ये देखिए कर तो लिया हम लोगों ने फोटो, अब बच चुका है सोरी से हम लोग पी लेंगे, लेकिन ये कौन पिएगा यार ब्लैक कॉफी, मतलब भाई इसका टेस्ट ना यार मतलब कभी जहरीला एकदम जहरीला, ये इंसान को मारने के लिए बहुत ही हानिकारक है। कैसी रहते हैं गुड, 1 लाइक 1 शेयर 1 प्रेयर काम आ गया, थैंक यू बोलो अब ऑडियंस को, अरे थैंक यू हम थोड़ी बोल रहे हैं यार, तुम भी बोलो कैमरा में थैंक यू, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। सो अभी अपन लोग को जाना है अपर बाजार, हम लोग को डालना है एक कुरियर में ये सामान, एंड ऑल्सो हम लोग को ओवरऑल प्रोजेक्ट का लेते जाना है फोटोज टू गेट इट प्रिंट आउट। भाई साहब आज लाइट नहीं है, लाइट बहुत ही कम आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा, ठीक है चलो, क्या हुआ जैकेट खोल के, नहीं नहीं देखेंगे मतलब काफ़ी मतलब
क्लाउडी है, कुछ हद तक क्लाउडी है। अरे यार, अगर आप लोगों को गाइस पता होगा, पहले आप लोग देखा होगा हम लोग नहाया, मम्मी को लगता है कि हम लोग नहाया ही नहीं यार। देख लेंगे, हाँ देख लीजिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग में देख लीजिएगा। यार अकेले चलो ना तो मतलब कि यार म्यूजिक यार आपका एक अकेला साथी मिल जाता, मज़ा ही आता क्या गाना सुनने में। आए हाय, लेकिन एक बार मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा था कि आई वॉज लिसनिंग टू मतलब बहुत ही डीप म्यूजिक सुन रहा था मैं, एंड एक गाड़ी आया, ही वॉज लाइक और लगा लो एक कान में और लगा लो, मतलब एक्सीडेंट भाई उस दिन एक्सीडेंट अपन लोगों को भाई का होना बचा था, एकदम बहुत ही क्लोज एक्सीडेंट बच गया था। जो हेडलाइट्स होते हैं वो ऑन रहेंगे यार, मतलब क्या ही सोच के उसने लाया यार। जब आप चलते हो तो यार डैक लाइट जो आपकी आंखों में पड़ती है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वॉक लाइक दैट। कभी कभी लगता है ना कि कोई ट्रांसपोर्ट लेने जाता ना, इंसान पैदल ही जल्दी पहुंच जाता जगहों पर, सो इट इज़ वेरी बेटर टेक लाइक पैदल चलो, एक्सरसाइज भी हो जाता साथ में। यार इंडिया में अगर रोड में व्लॉगिंग करो ना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लाइक हर लोग आते जाते ना देखेंगे कि क्या कर क्या रहे हैं, आखिर सब लोग देखते, सब लोग देखना भी देखो सी। अगर आप लोगों ने देखा होगा हर किसी का नज़र होता है इस पर ना, मतलब अच्छा भी लगता है एंड बुरा भी लगता है कि पीपल गिव यू सो मच ऑफ अटेंशन व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, लाइक इट फील्स गुड एज वेल एज बैड। आज लाइक होपफुली हम लोग का काम हो जाए सो हमें दोबारा ना आना पड़े, होपफुली कि हम लोग का किस्मत का आप लोगों को भी पता है हमारी किस्मत के बारे में, कहीं भी जाओ एक बार में काम पूरा कभी नहीं होना है। भैया एक कोरियर करवाना था, कॉस्ट लगेगा 280, आई डोंट नो कि मतलब कि कोरियर का लाइक वेट से कैसा कनेक्शन है, बट जैसा कि भैया ने हम लोगों को कहा कि 280 लगने वाला है तो दे दिया जाएगा, पूछना क्या हम लोग मास्टर्स की डिग्री लेना है। यार लाइक पहले लगता था कि रोड में ऐसे ब्लॉगिंग करना थोड़ा अजीब लगता था, बट अब लाइक थोड़ा कंफर्टेबल लगता है कि लाइक चलो कोई नहीं देख कहने दो लोगों को। अब अकबर बाजार में क्या ही लोग चलाते हैं, मतलब क्या ही लाइक जाने के लिए आप लोगों को रास्ता देखना पड़ता है खुद के लिए। अकाउंट से पैसा थोड़ी है, अच्छा लग रहा है इस कंपैरिजन, मतलब उससे थोड़ा ब्राइट कलर भी अच्छा लग रहा है। इसमें क्या करें, चार लोग खाना डलवा लेंगे। पापा ने कहा है कि हम लोगों को कुरियर में नहीं डालना है, जल्दी से हम लोग चलते फोटो निकलना है अदरवाइज बंद हो जाएगा, हमें दूसरा दिन वापस जाना पड़ेगा। आप घर से निकलो या ना निकलो पर शाम में निकलना ज़रूरी है, मतलब एक अलग ही मज़ा लगता है यार रोड में घूमने का। बना है रांची एक्सप्रेस, लिटरली पहले होता था कि आप उस एंट्रेंस से आते थे एंड वी हैव टू सिट एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस। लेकिन अब भाई मतलब देखो भाई सोफा है भाई, इंटीरियर है गजब, बहुत ही ज़्यादा गजब, एंड ऑल्सो गेट अ प्लेस टू सिट एट दिस प्लेस। गुड्डो तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर है ये दोनों। सो फाइनली हम लोगों का फ़ोटो निकल चुका है, अभी लेना है गुड्डू के लिए एक ऑयल लेना था, उसके बाद हम लोग घर जाते हैं। मुझे तो याद ही नहीं था हम लोगों को यार एक वो बेसिल सीट वाला जूस भी लेना था, क्योंकि नेहा यार तुम्हारे चक्कर में ये हमें एक और लेना पड़ रहा है, पैसे फिलहाल तुम्हें से लिए जाएंगे। लेकिन फाइनली आज जो गुड्डू को गिफ्ट देना है वो हम लोग दे के यार काम निपटाओ, काम निपटा ही लेते हैं अपन लोग। भाई साहब भैया सॉरी आज हम लोग समोसा नहीं खाएंगे गार्डन का, आज घर में समोसा ऑलरेडी बन चुका था, हम लोगों ने 5 दबाया है भाई, दबा के खाया है, दबा के एकदम लोगों ने 5 समोसे घर के दबाए, बट घर का समोसा इट इज़ लाइक वो एज यूजुअल, और समोसे बाहर के समोसे लाइटर रहता है सो आप ज़्यादा ज़्यादा खा सकते हो एंड इट इज़ नॉट बैड फॉर हेल्थ एज वेल, लाइक होता है ऑब्वियसली वेट गेन होता है बट नॉट एट दैट मच। एक बात ना आज मेरे को समझ में आया कि ये ना मतलब रोड में व्लॉगिंग करना थोड़ा आसान क्यों है पता है, क्योंकि शर्म है ना अपने ही लोगों से आती है, मतलब अगर जिसको जानते नहीं हो अनजान व्यक्ति से मतलब कि यार क्या है वो देखेंगे यार 2 मिनट बस खत्म,
वहाँ से तुम चल जाते हो वो भूल जाएंगे, लेकिन लोगों के अपने ही लोगों के बीच केवल शर्म आता है, क्योंकि मतलब अपने लोग है ना लुक्स निकालेंगे कि अरे देखो क्या कर रहा है पागल टाइप, कैसे क्या अपने आप से कैमरा में बात कर रहा है, अनजान लोग क्या देखेंगे अरे कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है बस हो गया, इसीलिए मतलब अपने लोगों से केवल शर्म आता है। अच्छा गया ठीक था। हाय एवरीवन, ऐसे बोलो हाय एवरीवन, बोलो ना हाय एवरीवन।